नारकोटिक विंग ने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से सप्लाई की गई करीबन 35 लाख की एमडी ड्रग्स पकड़ी है। अभी तक ये ड्रग्स मुंबई से आती थी, लेकिन पहली बार पता चला कि ये बॉर्डर पार से आई है। सूचना मिलने के बाद जब टीम ने तस्करों का पीछा किया तो वे आक्रामक हो गए। तस्करों ने सिपाहियों की आंखों में मिर्ची झोंकी और दो को हाथ पर काटा भी, लेकिन फिर भी पुलिस ने छोड़ा नहीं। देर रात इन्हें पकड़कर इंदौर लाया गया। जानकारी के अनुसार पकड़ाए तस्कर सलीम पिता फैजू खान निवासी बड़ाई कसरावद और शाहरुख पिता अजित मुंडा निवासी ग्राम बिष्ठान जिला खरगोन है। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने डीआईजी महेश चंद जैन के निर्देश पर टीआई प्रवीण ठाकरे की टीम ने यह कार्रवाई की। विंग ने गांव से ही पीछा करके उन्हें इंदौर रोड स्थित कसरावद कब्रिस्तान छोटा नाका के पास घेर लिया और इंदौर ले गए। एसआई वरसिंह खाड़िया के मुताबिक आरोपियों ने कबूला कि उन्हें जम्मू कश्मीर का एक ट्रक ड्राइवर माल देकर जाता है। वह पीओके से माल लाता है, इसके बाद इसे इंदौर में सप्लाई किया जाता है। अब टीम उस ट्रक ड्राइवर को भी तलाश रही है। मुखबिर की सूचना नारकोटिक्स इंदौर में प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति, एक का नाम है सलीम पिता फैजू खान, उम्र 27 साल, निवासी कसरावद खरगोन, दूसरे का नाम शाहरुख पिता अजीत मुंडा, ग्राम बिस्टान खरगोन, इनके द्वारा एमडी ड्रग सप्लाई करने के इरादे से कसरावद से लेके इंदौर आने वाले। यदि अविलंब दबिश दी गई तो उन्हें कसरावद में ही दबोचा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा कसरावद जाके कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों के पास से लगभग 135 ग्राम एमडी जब्त की गई है, जिसकी मार्केट की कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। सलीम जो है वो पूर्व में नारकोटिक्स इंदौर द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व में 2015 में 20 किलो गांजा उसके पास से पकड़ाया था। 6.5 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर निकला और फिर इसी कारण सेलेक्ट हो गया। शाहरुख के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। अभी तक प्रथम दृष्टया ये देखा गया है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। विवेचना में ये पाया जा रहा है कि ये दोनों उक्त माल को किसी ट्रक ड्राइवर द्वारा ले के आए थे, जिसकी अग्रिम विवेचना जारी है। खरगोन से अब्राल पठान की रिपोर्ट।